जल्दी करो, भूख लग रही है। ये वाला तो जैसा कि ये चिकन चिकन पनीर, ओके तो ये पनीर नहीं है, चिकन है, चिकन 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 नहीं है, इसको पनीर मत बोलो फिर पनीर शुरू हो जाएगी। वेलकम बैक टू माई चैनल बीवी दार्शी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस कैसे हो आप सब? सो गाइस आज की इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैलेंज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आज है राखी गाइस। सो ये जो वीडियो है आई नो ये 2 से 3 दिन बाद जाएगी, लाइव होगी मेरे चैनल पर, बट आज जो मैं ये शूट कर रही हूँ वीडियो वो मैं कर रही हूँ राखी के स्पेशल डे पर। और इस वीडियो में गाइस आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ अपनी छोटी सिस्टर को, जो कि इस चैलेंज में मेरे साथ जो है आज के इस वीडियो का पार्ट रहने वाली है। आज हम जो है एक चैलेंज करने वाले हैं, जिसमें कि गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने 3 पिज्जा ऑर्डर किए हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हम लोगों को, हम 3-4 भाई बहनों को बहुत ही ज्यादा पिज्जा पसंद है, और पिज्जा ऑलमोस्ट गर्ल्स का फेवरेट जो होता है जंक फूड होता है। सो एक्चुअली हम दोनों के बीच में एक डिबेट चल रही थी कि ये चाहती थी कि ये डोमिनोज से ट्राई करे और मैं चाहती थी कि मैं पिज्जा हट से ट्राई करूं। और मेरे ब्रदर ने बोला कि नहीं, आजकल जो है शिकागो पिज्जा बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, बहुत ही ज्यादा हाइप में है ये पिज्जा, बहुत जिस तरह से डोमिनोज और पिज्जा हट के पिज्जा आजकल पॉपुलर है। तो हमने सोचा ठीक है, उसके कहने पर हमने आज जो है शिकागो पिज्जा जो है मीडियम साइज में ऑर्डर किया है, और डोमिनोज एंड यहां पे मैंने ऑर्डर किया है पिज्जा हट का रेगुलर साइज में। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये पूरा चैलेंज जो है, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या कैसा है, कैसा टेस्ट है, कैसा फ्लेवर है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं सोच रही हूं, मैं अपनी छोटी सिस्टर से, वो आपसे कुछ पूछना चाहती है या कुछ बोलना चाहती है मोनिका? हाँ, मैं क्यों नहीं बोलना चाहती, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज इसको ऐसे ही सपोर्ट करिए, इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे कंटेंट लाती है और डिफरेंट भी होते हैं। तो ऐसे मजेदार कंटेंट्स के लिए आप प्लीज इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके साथ जुड़ी रहे। थैंक यू सो मच। और अब जो है ये चैलेंज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो तो जो क्रस्ट है गाइस बहुत ही ज्यादा मुझे मोटा लग रहा है कंपैरिजन, मतलब अभी मैंने ट्राई नहीं किया ये वाला, बट इसका जो क्रस्ट है वो थोड़ा सा मोटा है। तो इसमें अनियन है और चिकन है, और साथ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टमाटो है। और क्योंकि बहुत जल्दी मुझे रिसीव हो गया था, बट वीडियो के चक्कर में थोड़ा सा ठंडा हो गया है, बट मोनिका तुम ट्राई करो। फिर भी कहूंगी लाइक डोमिनोज ही बेटर है, मुझे तो इतना नहीं अच्छा लगा। तुझे कैसा लगा? मैं ट्राई करने वाली हूँ मेरा फेवरेट जो है डोमिनोज का पिज्जा। बस ये तीनों पिज्जा जो है हमें टाइम से डिलीवर हो गया था, एक्सपेक्ट अगर मैं बोलूंगी शिकागो वाला जल्दी रिसीव हो गया था मुझे, बट ये जो डोमिनोज वाला है और साथ में ये पिज्जा हट वाला है, दोनों ही टाइम से ही रिसीव हो गए थे। बट इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, इसका जो क्रस्ट है इस तरह से मुड़ा चुड़ा हुआ पड़ा है, और मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस चीज से। और इंग्रेडिएंट की बात करूं तो काफी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स इन्होंने ऐड किए हुए हैं, और यहाँ पे कैप्सिकम है, मशरूम है, और अनियन है, टमाटो है। लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा है। एक्चुअली गाइस ये मैंने मंगवाया था एक्स्ट्रा चीज में, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल भी चीजी मुझे नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। आप लोग खुद देख सकते हो उसमें कहीं से भी आपको चीज नजर आ रहा है। मुझे डोमिनोज हमेशा से बहुत पसंद है, बट मुझे इसकी डिलीवरी इस बार बहुत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि इस तरह से पैकेजिंग, इस तरह से बॉक्स भी बहुत अजीब तरीके से डैमेज सा रिसीव हुआ है, पता नहीं कैसा। ये देखो काफी फ्लिमजी सा है इसका पैकेजिंग, एज कम्पेयर टू शिकागो का जो पैकेजिंग है बहुत ही परफेक्ट है। आप लोग देख सकते हो कितनी स्टडी पैकेजिंग है। अब हम ट्राई करने वाले हैं अपने भाई के रेकमेंडेशन पर शिकागो पिज्जा। ये एंड मेरे को टू बी ऑनेस्ट इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत नीट लगी है, नीट एंड क्लीन, कहीं से कोई मैस
मैस नहीं लग रहा है यहाँ पे। और आपको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने डोमिनोज में एक्स्ट्रा चीज मंगवाया था जबकि ये मीडियम साइज में है, बट इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज वगैरह नहीं टॉप करवाया था। बट इसकी आप कंडीशन देख सकते हो कि पूरा ऐसा लग रहा है, कितना चीजी है पूरा आप देख सकते हो। और ये थोड़ा ठंडा हो गया है, बट अगर ये थोड़ा जल्दी मैं इसको आपको दिखाती हूँ उस टाइम पर, तो ये बहुत ही ज्यादा चीजी और हॉट हॉट लग रहा था। इसे वेट नहीं हो रहा, चल 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 ट्राई करते हैं। ओके मैं एक स्लाइस निकालती हूँ। एंड मैंने रेशमी पनीर पिज्जा ऑर्डर किया है और इसमें भी काफी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कैप्सिकम है, अनियन है और लोडेड विद स्टफ, हाँ स्टफ लग रहा है, काफी अच्छा भरा भरा सा लग रहा है। सो पहले तुम ट्राई करो। टॉपिंग देख सकते हो गाइस, पूरा क्रीमी क्रीमी मेरे मुंह पे ऐसा लगा कोई क्रीमी क्रीमी चीज मैंने भर दिया मुंह में अपने। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही। और ट्रस्ट मी, अब मुझे लग रहा है कि हमें नेक्स्ट टाइम तो ऑफ कोर्स ये शिकागो पिज्जा ही ऑर्डर करने वाले हैं, डेफिनेटली। जैसा कि मैंने आपको बताया तीनों पिज्जा जो है मैंने साथ ही ऑर्डर किया था, बट शिकागो पिज्जा जो है मुझे बहुत जल्दी रिसीव हो गया था एज कम्पेयर टू दिस टू बॉक्सेस। और इसकी पैकेजिंग वगैरह आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छी है, एंड साइड बाय साइड इसका जो क्रस्ट है बहुत ही ज्यादा थिन है और मतलब हार्ड नहीं लग रहा है बिल्कुल भी खाने में, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला टेस्ट है। और डेफिनेटली गाइस मैं आपको बोल सकती हूँ हाईली रिकमेंडेड है, अगर आप भी डोमिनोज और पिज्जा हट से ऑर्डर करते हो एक बार मेरे रेकमेंडेशन पर शिकागो पिज्जा से जरूर ऑर्डर करना, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे।